Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना बहुत गजब गजब के कारनामे हुए गोदी मीडिया में सच्ची. Also last week we spoke about India Today conclave. We will move further. अंजना जी आप इधर देखिए. हाँ. क्या है ये? नहीं सच्ची, मोदी जी ने इतनी अच्छी स्पीच दी. आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, सब कुछ बिगाड़ दिया आपने. किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं. There was some movement, but it's okay, it's completely okay. This is India's moment. पर ये दुनिया को क्या बताने की जरूरत थी कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ रहे हैं. आपने पिक्चर लगाई, एक ट्रोलर्स एक्टिव हो गए, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आप इधर देखिए. हाँ हाँ. क्या कर रही हो? यही तो बादशाह है. हाँ? That happened actually. It was a very precise speech of our Prime Minister with some movement. And yeah, Mr. Arun Puri was like in this mode all the time. आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूँ. अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता? देखो, अगर पत्रकारिता के सिद्धांत के और धर्म की बात की जाए तो पत्रकार ऐसे तीखे और कठिन सवाल पूछते हैं कि नेता घबरा जाते हैं. लेकिन यहाँ पे तो अच्छे से पूरा आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती. ब्रीज चल रही थी और कंफर्ट किया जा रहा था. वैसे ये एक इनका तरीका था, अंदाजे बयां. किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा. रीशफल का तो भूल ही जाओ. He was like, मैं नौकर हूँ आपका मालिक, टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन. एंड हियर यू कैन सी द जेस्चर ऑफ अरुणपुरी साहब. बट नाउ मीट दिस गाय. वी हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस. And there is absolutely nothing in sealed cover. Not this type of a journalism. We need this type of a journalism. It's from Indian Express, Mr. Raj Kamal Jha, and he became a sensation yesterday. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. And check out the way he is talking here. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists. मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, वो तो सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए सब कुछ करेंगे. पत्रकार क्या कर रहे हैं? क्या वो अपना धर्म निभा रहे हैं? जवाब है मुन्ना भाई, नहीं. एंड देन शी केम एंड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग. देयर इज अ न्यू ट्रेंड विद कॉलिंग मीडिया सोल्ड आउट, द फेमस गोदी मीडिया. मतलब इनको तो खैर कोई क्या ही कहे, ये बंदा सारे जवाब दे देगा. Right. That aligns around the same core values of journalism. To tell the stories without fear or favor. And now let's talk about Mr. Kishore Ajwani. Russia-Ukraine war में जो Russian और Ukrainian soldier लड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा इनको पता होता है. He's living in India, working in an Indian news channel, but always talk about Russia-Ukraine war. कभी क्यों लगता है इनको Russia-Ukraine war में छोड़ के आ जाओ? चलता? नहीं यार, खैर छोड़ो. इनकी बातचीत हो रही थी मिस्टर केजरीवाल से. अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, और हाँ, दुखती नस पे हाथ रख दिया गया. वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए. आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं. शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते. आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है. यू कांट सी जर्नलिज्म बट यू विल फाइंड एवरीथिंग. बिना बात का एनिमेशन, बिना बात के स्पेशल इफेक्ट्स. ये देखो, बारिश ओले गिर रहे हैं यहाँ पे. वड़गड़ला वाना रैतुलकु कड़गंडलु मिगिल्चिंदी. ये काम हम यहाँ बैठे बैठे 24 घंटे कर सकते हैं. देखो, अर्थक्वेक आ रहा है, आग लग गई. सी सीरियसली, मोदी जी इनको कुछ समझाइए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. On a lighter note, this happened during the time of earthquake. Let me tell you, there were no special effects. तासु दावक्त बखपल स्क्रीन पर शबान दिखते हैं. ये ओले गिरना, आग लगाना, हम भी यहाँ पे earthquake ला रहे हैं, ये सब कुछ you know effects हैं. But ये real था, भाई हिला नहीं. चेदो पे खबर ख्वाश इलाकों की दजजली सख्त. अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर भाई.
फ्रॉम आवर मीडिया वी डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ फियरलेसनेस बट एट लीस्ट अरे सही सवाल तो पूछ लो जनता के लिए देश के लिए। ये किरण भाई पटेल ये कैसे घूम रहा था इतनी सारी सिक्योरिटी लेके, एक सवाल पूछता दिखा कोई पत्रकार नहीं। इट्स अ बिग थ्रेट गाइस बट यू कांट फाइंड एनी क्वेश्चंस। गैस सिलेंडर प्राइसेस भूल जाओ, पेट्रोल प्राइसेस, यू नो द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। जनता सच में त्रस्त है पेट्रोल से। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं तो ये क्या पूछ नहीं सकते? दे वोंट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। सोचने वाली बात है, अगर मीडिया सही होता, निडर होता तो ये सवाल उठाता। सरकार भी सोचती यार कर सकते हैं, इतनी आवाजें आ रही है। विपक्ष की तो हालत आप जानते ही हो, पर पत्रकार भी बिल्कुल चुप। दलाल। दिस न्यूज मेहुल चोकसी गॉट अ क्लीन चिट। You can't find this news on any news channel. Nobody is asking this. काम का सवाल आपको एक नहीं मिलेगा, फालतू की बातें करा लो, और जो फेक न्यूज फैलाई है वो तो कम से कम करेक्ट कर लो। मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलने वाला है, हर चैनल ये बात कर रहा था। One. एक बार फिर शांति पुरस्कार के लिए मोदी के आसपास कोई नहीं है। टू, प्रधानमंत्री मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। ये एक फेक न्यूज थी, ये सिस्टम में घुस चुकी है, लोगों ने ये बात मान ली है, बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पर एक न्यूज चैनल नहीं है जिसने ये बोला हो कि नहीं नहीं ये गलत खबर है, ऐसा 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 नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था। सुनते हैं आप? Now let's more discuss about India Today conclave, that moment. Mr. Nishikant Dubey is a BJP MP. He is known to spread fake news in your august company. He has this morning put out a tweet and I want to put it before the audience right here and let them decide. Yeah, when actually Mr. Rahul Kumar gulping the water. Just listen to this, what she was saying. He puts out a tweet and says, हमने तो वैशाली की नगर वधुओं का भी सम्मान किया। वैशाली की नगर वधु इज रेफरिंग टू अ प्रोस्टिट्यूट। आर यू विलिंग टू टेल योर कोलीग टू टेक डाउन दैट ट्वीट? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मीडिया शुड आस्क। पर अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। ये देखो ऐसे ऐसे बच्चों की तरह ऐसे दिखाया जा रहा है। ये देखो भ्रष्टाचार से लिप्त हो। आई मीन बोथ ऑफ देम वर शोइंग पिक्चर्स लाइक दिस एंड चेक आउट द बेबसी ऑफ गुल्लू। अब देखिए अदानी अपना काम कर रहे हैं। गुल्लू करे तो करे क्या? अशोक गहलोत ने कहा वो यहाँ से निकल के मैच देखने चला गया। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में गया था। थोड़ी मर्यादा रखिए। Okay, now guys, this is Godi number 2 and especially we're going to talk about our beloved Tihari. There were so many burning issues in the country right now, but he did not ask anything in India Today conclave. पूरे टाइम बस सर 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 चल रहा था। और फिर आप कितने फिट हो गए हैं, वेट रिड्यूस कर दिया है आपने, ये वो फना ढिकाना। एक बात बहुत अच्छी गई। How will you rate yourself as the Home Minister? देखिए रेटिंग तो जनता ही करती है और ज्यादा से ज्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। साहस ही तो नहीं है मोटा भाई, सही सवाल पूछने का साहस नहीं है। मतलब एंट्री में देखो, ज्यादा तालियां बजाइए प्लीज, थोड़ी अच्छी तालियां। Just look at his face. You don't need to do any kind of face reading. You can understand by yourself. There are so many important questions. Also, India's rating in happiness index. But फिर बाकी चीजों को मत मानो। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार happiness index नहीं मानोगे, hunger index नहीं मानोगे, बाकी कोई और एजेंसी कुछ अच्छा बोल देगी सरकार के बारे में, उसको सारे जर्नलिस्ट मान लेते। So this is not done, guys. But yeah, this speech, guys, by Mr. Raj Kamal Jha. When a university teacher is picked up for sharing a cartoon. Was everywhere yesterday and people actually saying that we don't need that kind of a media. We need this type of a media for the people of India. College student for a speech, a film star for a comment. यहाँ सिर्फ पत्रकारिता की बात हो रही है कि निष्पक्ष होके सवाल पूछे, नहीं पूछता कोई। तो ये हमारी कोशिश होती है, अगर सही पत्रकारिता होगी तो देश आगे बढ़ेगा, देश के लोगों का उद्धार होगा। So yeah guys, please play the song.